Hi everyone, I hope you all are doing good today. Welcome back to channel Online Job News. My name is Nick और आज अपन बात करेंगे नागपुर और महाराष्ट्र में वैकेंसीज निकली हुई है प्राइवेट जॉब्स में किस तरह से कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, कहाँ वैकेंसीज निकली हुई है और वहाँ पे इजी वे टू अप्लाई किस तरह से किया जाता है हम जानेंगे। नागपुर में तो वीडियोस में वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ, वो 100% रियल है, जिनको बिलीव करना है करे वरना ना करे, वरना वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो भाई गाइस, रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आज आप अप्लाई करते हो सकता है कंपनी ने अभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर दिया हो और रखा हो, जब कंपनी को जरूरत हो लेते हो तो एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम लगता है। जब अभी आज से अप्लाई कर देंगे, जैसा आज की डेट है 30 मार्च, तो आपको कम से कम अप्रैल 30 के तक वेट करना है कि आपको कब कॉल ना आए। और मैं 100% के साथ गारंटी दे सकता हूँ, आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे जितना जल्द, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो और तुरंत वीडियो देखते हो, जैसे सीखते हैं जो क्राइटेरिया में आप फीड बैठते हैं, जिस बार वैकेंसीज के बारे में मैं फुल इंफॉर्मेशन बताता हूँ, आप वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए, हो सकता है उसके कारण आपके चांसेस बढ़ जाए। सो आज अपन वीडियो में देखेंगे कि नागपुर और महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। अब जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं फर्स्ट वैकेंसी की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट वैकेंसी इज कमिंग फ्रॉम नागपुर से आ रही है, पेरना सेवा मंडल, पेरना इंटरनेशनल स्कूल एंड पेरना जूनियर कॉलेज की तरफ से। यहाँ पे उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप अगर टीचिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है तो फॉर जूनियर स्टेट बोर्ड के लिए आपका अकाउंटेंट की ज़रूरत है, इनको एमकॉम किया हुआ है इंग्लिश मीडियम से या बीएड तो भी चलेगा। आप इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट्स के बैकग्राउंड से अगर आते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जैसा कि एमकॉम और एमए और बीएड ये इकोनॉमिक्स के लिए, और मैथ केमिस्ट्री के लिए आप बायो एमएससी बीएड किया है तो आप चलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इन बीएमए किया हुआ है या कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमसीएम, इनमें से कुछ भी एक कोर्स आपने अगर किया हुआ है, इस किसी भी चीज़ के पास डिग्री है तो आप इस चीज़ के टीचर जूनियर कॉलेज के लिए ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाद में यहाँ पे और भी पोस्टेज है जो टीचर्स के लिए, जो 12th स्टैंडर्ड के सीबीएसई बोर्ड्स को पढ़ाते हैं उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है एमए बीएड, और केमिस्ट्री में आपको एमएससी और बीएड किया हुआ है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए भी पीयूडी एंड एमपीईटी, तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि सूटेबल ट्रेंड के एक्सपीरियंस है, टीचिंग बैकग्राउंड से हो या एक्सपीरियंस है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और आपका जो सीवी है वो आपको 31 मार्च के पहले पहले आपको ईमेल आईडी पे भेजना है। सो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, सो गाइस नेक्स्ट वैकेंसी है करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ से, एट द रेट संकल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुणे। सो गाइस यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है वो है फील्ड ऑफिसर और सेल्स ऑफिसर के लिए। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनको ऐसे कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे और कैरी आउट ऑल मेडिकल प्रमोशंस एंड सेल्स। तो आपको क्या करना क्या है, मेडिकल के रिलेटेड जो भी सेल्स मार्केटिंग होगी वो आपको इस जॉब में करना है। तो आप मेडिकल सेल्स और के बारे में और बजट से बैकग्राउंड रखते हो तो आपको जॉब सूटेबल है। तो इन्होंने जॉब रिक्वायरमेंट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, अगर आपका एजुकेशन केमिस्ट्री, बायो में, माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने क्राइटेरिया भी रखा हुआ है 4 स्टेज में, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होना चाहिए और आपको इंग्लिश और मराठी ये दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। सेकेंड चीज़ है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, आपको ड्राइवर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स के अंदर अंदर होना चाहिए, और बाद में इसके अलावा आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मा इंडस्ट्री, और अगर आप फ्रेशर्स भी हो तो चलेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहेंगे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं की, एज़ पर कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से आप सोच सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पुणे में है तो सैलरी भी अच्छी होती है। तो जो फील्ड सेल्स और ऑफिसर के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है, लोकेशन उसके हैं पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, कोल्हापुर, जलगांव, हेडक्वार्टर्स, तो इन सभी जगह से ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो एक अच्छा मौका है ऑल ओवर महाराष्ट्र के सभी कैंडिडेट्स के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, आप डायरेक्ट वॉकिंग इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हो 5 अप्रैल के पहले। तो ये कोल्हापुर, और अगर आपको जाना हो वर्चुअल इंटरव्यू के लिए, जैसा ऑनलाइन अभी आजकल चल रहा है, तो फॉर एड्रेस आपको ये नंबर पे कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करके उनसे पूछना है। सो गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो है
वो है, सो गाइस नेक्स्ट वैकेंसी इज कमिंग फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, सो बी आर शेषराव वानखेड़े शेतकरी ये सूत गिरनी लिमिटेड के तरफ से, ये मोहनगांव बिट्टी बोरी डिस्ट्रिक्ट नागपुर में स्थित है। सो गाइस यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी ऑफिसर, शिफ्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, आपने अगर डिप्लोमा इन टेक्सटाइल या बी किया हुआ है, अगर आपको 10 से 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपकी एज लिमिट 40 से 45 ईयर्स के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सर नेक्स्ट उसमें मेंटेनेंस इंचार्ज के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। आपकी क्वालिफिकेशन अगर आप बीटेक बी मैकेनिकल और डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैकेनिकल से की हुई है, आपको 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी एज लिमिट 30 से 40 ईयर की है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के लिए भी एक जगह निकली हुई है, उसके लिए भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन बी और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आप आते हो, तो आपका एक्सपीरियंस अगर टेक्सटाइल मिल में है और 10 से 15 इयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस और आपके एज लिमिट 45 इयर्स के अंदर है, तो आप ये मेल पे www.bswpin.com या फिर ये ईमेल दिया हुआ है इन्होंने, ये वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, या ये वेबसाइट दी हुई है यहाँ पे कंपनी की, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, या फिर कंपनी के ये ईमेल पे hr@bswpin.com यहाँ पे आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अभी आज से ये जो एप्लीकेशन है वो आपको 10 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना है, आज से लेके 10 दिन के अंदर आपको ये नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ये दो नंबर से यहाँ पे दिए हुए, आपको कोई क्वेरीज अगर आती है और या फिर आप इन्हें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो है फोर्थ नंबर की वैकेंसी। सो ये है, सो बस ये जो वैकेंसीज आई हुई है, ये जो वैकेंसी है ये सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आई है। तो प्राइवेट लिमिटेड है कि सुगुना फूड सबको पता है एक अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पे चार पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। उसके लिए आपको जीरो से, अगर आप जीरो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, खाली आप क्वालिफिकेशंस अगर है आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट, तो उसमें है सुपरवाइजर, पोल्ट्री हैचरी, ब्रीड फिटिंग सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव अकाउंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एग्री बैकग्राउंड, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पद है आप देख सकते हो। इसमें आप कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 0 to 5 वर्ष अगर एक्सपीरियंस है और आपकी एज 27 के अंदर रहती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में जो सुपरवाइजर पोस्ट है, इसके लिए आप HSC पास हो तभी, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं, आप फ्रेशर्स कैंडिडेट भी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आप एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट के लिए बीकॉम और एमकॉम दिया हुआ क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए आप कोई भी पदवीधर, मतलब आपके पास कौन सी भी डिग्री हो और आपने MBA मार्केटिंग में किया है और आपको 2 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपकी एज 27 के पहले आती है, तो आप इस चीज़ के लिए, आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि ये जो सभी जो पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं वो टोटली मेल्स के लिए है, ये पोस्ट के लिए फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकेगी। सॉरी फीमेल्स, इसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए भी पोस्ट लेके आऊँगा, लेकिन ये जो सुगन्ना फूड प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पे टोटली ओनली फॉर बॉयज़ के लिए है। और इन्होंने कहा है ये जो लाइन सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको खुद की बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों भी होना कंपलसरी है। उसके बाद आप इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन में आप फिट बैठे हो और जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको amit@suhanafood.com इस पर आपको रिज्यूम सेंड करना है, या फिर आप ये नंबर दिया हुए है 930 और ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करके आपको पूछना है। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो है लास्ट और फाइनल वैकेंसी आज के अपने वीडियो की। तो सो गाइस यहाँ पे नासिक से न्यूली बिल्ड स्टील कास्ट फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पोस्ट निकली हुई है और आपको आमंत्रित किया हुआ है कि आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप स्टील फाउंड्री मैनेजर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी उनकी क्राइटेरिया रखा है, आपको अगर बीटेक की डिग्री है आपके पास या फिर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो विद एक्सेलेंस कमांड सुपरवाइजिंग और प्रोडक्शन से, और आपको एक्सपीरियंस जो प्रोडक्शन और सुपरवाइजिंग के बैकग्राउंड से आता है और आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 5 to 8 ईयर्स का है और आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप इसमें ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ फाउंड्री रिलेटेड स्टाफ में भी उनकी जगह निकली है स्टील फाउंड्री में, यहाँ पे प्रोडक्शन सुपरवाइजर,
क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर, मॉडलिंग शॉप इंचार्ज, मेटलरिंग फॉर स्पेक्ट एंड लैब, मार्केटिंग मैनेजर और परचेस ऑफिसर, इन सभी के लिए पोस्ट निकली हुई है। तो आप अगर किसी आप ये बैकग्राउंड से आते हो और आपने बी किया हुआ है, इंजीनियरिंग फील्ड से आते हो, तो आप इस पोस्ट के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने एक ही क्राइटेरिया लगाया कि आप सब जो भी ये जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उसके लिए आपको उसके बैकग्राउंड से नॉलेज होना, अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको अगर 4 to 5 years के एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे आप फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो। सो यानी दिया गया ऑल कैंडिडेट हैविंग गुड नॉलेज स्किल कंट्री फॉर मॉडर्न इक्विपमेंट हैविंग एक्सपीरियंस 4 to 5। तो आपको करना क्या है कि आपको आपका रिज्यूम सेल्स एट द रेट सेमेंस इंजीनियर्स एट द इंजीनियर डॉट कॉम ये मेल आईडी पे आपको आपका रिज्यूम सेंड कर देना है, या फिर आप इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ये कॉन्टैक्ट पे आप उन्हें कॉल कर सकते हो और उन्हें पूछ सकते हो। सो गाइज ये थी आज के जॉब्स वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के जॉब्स के नए इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी तक कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा दीजिए। तो इसी तरह के नए नए जॉब्स को अब बारे में आपको फ्री में ये जॉब नोटिफिकेशन अवेलेबल किया जाएगा और आपको किसी को किसी तरह से कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इजी वे टू अप्लाई, अपने चैनल का मोटो ही ये है कि आप एक 10 से लेके जो पढ़े ही नहीं है या हायर पीएचडी तक के, अब किसी भी तरह की पोस्ट के लिए आपको 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है और आप इजी वे टू अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। हो सकता है आपको कॉल में सिलेक्ट होने को का थोड़ा देर हो जाए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो कि मैं अप्लाई करने के बाद में मुझे कॉल नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विद इन 1 month आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉल बैक ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।